नाइन न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ नेहा। पंजाब में सियासी घमासान अभी तक थमा नहीं है। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र और खुफिया एजेंसी ISI के कनेक्शन की जांच के मामले के बाद दोनों के बीच ट्वीट्स की जंग छिड़ गई है। हाल ही में अपने एक ट्वीट में डिप्टी सीएम ने कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब को ISI से खतरा है, इसलिए हम ISI के साथ उनकी महिला मित्र अरोसा आलम के संबंध की भी जांच करेंगे। डिप्टी सीएम द्वारा कैप्टन पर किए गए व्यक्तिगत हमलों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कहा कि अरोसा आलम केंद्र से मंजूरी लेकर 16 साल से भारत आ रही थी। इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम रंधावा से सवाल किया कि क्या वह आरोप लगा रहे हैं कि NDA और पिछली UPA सरकारों ने ISI के साथ मिलीभगत की थी। अमरिंदर सिंह के हवाले से उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, सुखजिंदर सिंह आप मेरे मंत्रिमंडल में रहे, मैंने आपसे पहले कभी उनके बारे में शिकायत करते हुए नहीं सुना और वह 16 साल से भारत सरकार की मंजूरी के साथ आ रही थी, तो क्या अब आप आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 16 साल से NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ISI से मिले हुए थे। इसके साथ ही मीडिया सलाहकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ आलम की एक तस्वीर भी ट्वीट की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, डिप्टी सीएम व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, उन्हें आरोप लगाने से पहले बताना चाहिए कि एक महीने में उनकी सरकार ने बरगाड़ी मामले पर क्या किया है, उन्होंने नशा तस्करी को लेकर जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, इन सब पर काम करने के बजाय वे निजी हमले कर रहे हैं। कैप्टन ने रंधावा पर निशाना साधते हुए कहा, फिलहाल प्रदेश त्योहारों के मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट पर है, ऐसे में डिप्टी सीएम को फालतू इन्वेस्टिगेशन पर लगाने की बजाय पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जैसे मामलों की जांच जिन्हें तेज करने का वादा पंजाब की जनता से किया था, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।